हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। तो देखिए, ये है सिलेबस क्लास 12 के लिए। आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के जो स्टूडेंट है क्लास 12, उनके लिए न्यू सिलेबस आया है। बेसिकली लास्ट ईयर जैसा सेम टू सेम ही है। ये देखिए, नया नोटिस आया है, ये ऊपर दिया गया है, इसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और सिलेबस में दिया गया जितना सारा टॉपिक है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर पीडीएफ भी आपको आप ले सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बीएस ट्यूशन क्लासेस सेम टू सेम, और अबाउट में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आपको सिलेबस समझाता हूँ। यहाँ से शुरू होता है हमारा सिलेबस। सिलेबस फॉर हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर कोर्स, टोटल मार्क 100, 3 आवर्स, ओनली 1 पेपर। चलिए, सेक्शन ए बी सी ऐसे करके आपका रहेगा, है ना। तो सेक्शन ए में होगा आपका रीडिंग स्किल, एक अनसीन प्रोस पैसेज दिया जाएगा आपको और रहेगा आपका 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में एडवांस राइटिंग स्किल होगा आपका, और एडवांस राइटिंग स्किल में बहुत सारा चीज़ें होते हैं, वो आपको लाइन बाय लाइन बताते हैं, लेकिन वहाँ पर रहेगा आपका टोटल 25 मार्क्स। और ग्रामर में, सेक्शन सी में ग्रामर में रहेगा आपका 20 मार्क। ठीक है, और ग्रामर में क्या क्या आता है देखिए, जैसे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, 4 मार्क का यहाँ पर आपका होता है। वॉइस में आपका 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, टेंस का होता है 5 मार्क का, प्रीपोजिशन आते हैं 4 मार्क का, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं 4 मार्क का। उसके बाद सेक्शन नंबर डी, जैसे कि हमारा किताब फ्लेमिंगो और बिस्तास, इन दोनों में से फ्लेमिंगो से आएगा आपका 30 मार्क्स और बिस्तास से आएगा आपका 15 मार्क्स। ठीक है, समझ लिया। चलो नेक्स्ट, अभी करेंगे कि कैसे कैसे पैसेज आ सकते हैं, क्वेश्चन कितने मार्क का होगा। ठीक है, हर एक चीज़ आपको बताता चलूँगा, दूसरे को शेयर कर देना ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। और ये पीडीएफ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा जेरोक्स निकाल के। ठीक है, उसके बाद रीडिंग अनसीन पेसेज में कैसे कैसे तरीके का पेसेज आ सकता है 10 मार्क्स का। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 500 to 800 वर्ड्स का एक पेसेज रहेगा, उनमें से कोई एक ए बी सी करके कोई भी एक रहेगा। जैसे फैक्चुअल पेसेज आ सकता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन वाला, डिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट, ऐसा। डिस्कर्सिव पेसेस आ सकता है, जैसे कि आप आर्गुमेंटेटिव बोल सकते हैं, पर्सुएसिव और इंटरप्रिटेटिव टेक्स्ट। सी नंबर लिटरेरी पेसेस भी आ सकते हैं, एग्जांपल के तरह ले सकते हैं, फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, ऐसे बायोग्राफी, ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे तरीके से आता है और पेसेस हर कोई कर सकता है आराम से। देखिए, और जो पेसेज है ना, वर्ड मीनिंग भी आता है 3 मार्क्स का, वोकेबुलरी वर्ड मीनिंग आ जाता है। तो वर्ड मीनिंग आप जब पढ़ेंगे पैसेज को, तो वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ना आसान होगा। चलिए अभी एडवांस राइटिंग स्किल में आपको दिखा देता हूँ। एडवांस राइटिंग स्किल में आप, हमने क्या बताया था कि 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, देखिए इसका जो सिलेबस है लास्ट ईयर वो मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन इस बार फिर से एक नया सिलेबस न्यू करके जो कि दिया गया है काउंसिल ने, तो उसी को डाउनलोड करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं क्लास 11 से 12 में, वो लोग फिर से इसका हेल्प ले सके। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 रहेगा। ठीक है, उनमें से सिर्फ एक को ही करना है। 1 out of 2 short compositions of not more than 50 words इट्स एग्जाम्पल, जैसे कि 50 वर्ड से ज़्यादा करना नहीं है आपको, 2 रहेगा, एक को करना है। क्या क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट रह सकता है, नोटिस दे सकता है, डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स दे सकते हैं, राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाइज दे सकते हैं। 4 पास है ना, इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक करना है, एक 5 मार्क का। और मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर मैंने देखा है पोस्टर तो आता रहता है पोस्टर, और लास्ट 1-2 साल से तो ये कोरोना का पोस्टर ही बना रहा है स्टूडेंट्स, है ना। ओके, तो 3 नंबर क्या है, ए रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट या फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है, 2 दिया रहता है, सिर्फ आपको एक करना है 100 to 125 वर्ड के बीच में। क्या है, रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। और रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए।
10 मार्क का होगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद चार नंबर देखिए, राइटिंग वन आउट ऑफ टू लेटर्स, दो लेटर दिया जाएगा और आपको एक को ही करना है, ठीक है, दो लेटर दिया जाएगा, लेकिन इस बार तीन दिया गया था, ठीक है, उनमें से एक करना पड़ा। तो क्या क्या लेटर है, बिजनेस लेटर हम बोल सकते हैं, ऑफिशियल लेटर बोल सकते हैं, जैसे कि बिजनेस लेटर में आप किसी का इंक्वायरी कर रहे हैं, रजिस्टरिंग कंप्लेंट कर रहे हैं, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, आप कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं नहीं तो दे रहे हैं, उसके लिए भी लेटर लिख सकते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर्स, आप किसी का ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, सामान का ऑर्डर दे रहे हैं, ऑफिशियल ऑर्डर, तो लेटर उसका सेंडिंग रिप्लाई, आप उसी ऑर्डर का रिप्लाई दे रहे हैं तो वो भी लेटर आप लिख सकते हैं। और इसका जो लेटर है बिजनेस लेटर, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बिजनेस लेटर लेके आप बी एस ट्यूशन क्लासेस मारेंगे तो आ जाएगा, है ना। बिन वो लेटर टू एडिटर, ये तो आता ही रहता है, ऑप्शन में है ही, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये हर एक लेटर मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो तीन है ना, तीनों में से सिर्फ एक को ही करना है, और कितना मार्क होगा, 10 मार्क्स, तो टोटल 24 मार्क्स ख़त्म, 25 मार्क्स डन, ठीक है। अभी देखिए ग्रामर सेक्शन में आ जाइए आप लोग, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रामर सेक्शन में आएगा 20 मार्क्स, और यहाँ पर नरेशन में होगा आपका 4 मार्क्स, वॉइस में होगा आपका 3 मार्क्स, टेंस में होगा आपका 5 मार्क्स, प्रीपोजिशन में होगा आपका 4 मार्क्स, एंड द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में होगा आपका 4 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स, ठीक है। और ये हर एक चीज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप कोई भी नाम लिखे, नरेशन लिखे, साथ में बी एस ट्यूशन क्लासेस लिखे, मेरा चैनल आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, है ना। और एक चलो नेक्स्ट, ये देखिए अभी है टेक्सुअल, टेक्सुअल सिलेबस क्या है, फ्लेमिंगो पकड़ लेते हैं सबसे पहले, सेक्शन नंबर डी, और टोटल आएगा आपका 45, और उनमें से फ्लेमिंगो से आएगा 30 मार्क्स। और मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, एक मार्क का दो मार्क का, याद रखिएगा, तीन बार बोल दिया मैंने, एक दो करके ज़्यादा आता है, 7 मार्क का एक आता है, 5 मार्क का एक आता है, पर 1 मार्क का और 2 मार्क का ज़्यादा आता है, टोटल 45 मार्क्स, याद रखिएगा, है ना। तो देखिए टेक्सुअल सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या क्या आएगा इस बार, जैसे कि द लास्ट लेसन, मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब, लॉस्ट स्प्रिंग, इंडिगो, गोइंग प्लेसेस, ये आपका आएगा प्रोस से। पोइट्री से क्या क्या होगा, माई मादर 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, लास्ट ईयर भी था, इस बार भी सेम टू सेम है, ठीक है। चलो अभी नीचे देख लेते हैं कि ये टेक्सुअल से आपका कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर को देखिए, 1 out of 2, दो क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब दो पोइट्री सेक्शन से उठाकर आपको टेक्स्ट देगा, ए और बी, इन दोनों में से सिर्फ एक को ही करना है, और मार्क रहेगा टोटल 4। जैसे दो पोएम उठा के दिया आपको, ए नंबर पोएम और बी नंबर पोएम, पॉइंट देगा उसके साथ क्वेश्चन देगा, और कितना मार्क रहेगा, 4 मार्क, किसी एक को करना है, तो एक एक मार्क का हो गया ना ये शॉर्ट क्वेश्चन। 3 out of 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, तो 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे पॉइंट से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको करना कितना है, सिर्फ 3 का क्वेश्चन ही करना है, 3। देखिए कितना मार्क होगा आपका, 6। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे लेकिन 3 का क्वेश्चन ही करना है, मतलब एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, 1 मार्क 2 मार्क का ज़्यादा आता है, 6 हो गया। 5 very short answer type question out of 7 questions based on the lesson, यह आपका होगा जो प्रोस सेक्शन है, प्रोस से आएगा, ये पॉइंट से नहीं, प्रोस से, ठीक है। टोटल 7 questions दिए जाएंगे आपको, लेकिन आपको करना है सिर्फ 5 questions, एक एक मार्क का 5 question, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया ना, थोड़ा सा मदद तो मिलेगा आपको, ये पता चलेगा, हाँ सर अच्छा हुआ आपने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा करना है आपको। देखिए 9 नंबर, 5 short answer questions for 7 questions बेस्ड ऑन द लेसन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट। और ये भी देखिए 9 नंबर जो है, ये 2-2 मार्क का क्वेश्चंस होगा, ठीक है, 2-2 मार्क का क्वेश्चन, 5, टोटल 7 questions दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 5 ही करना है, 2-2 मार्क का 5, टोटल 10, मैंने कहा था ना। देखिए प्रोस से आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट प्रोस, वहाँ से 1-1 मार्क का 5 question और 2-2 मार्क का 5 question, टोटल देखिए 15, तो यहाँ पर हो गया। और पोएम से 10 मार्क, 2-2 करके 3 क्वेश्चन, 1-1 करके 4 क्वेश्चन, हो गया ना खत्म यहाँ पर। और एक एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टेस्ट, ग्लोबल कॉम्प्रहेंशन एंड एक्स्ट्रा फ्लोटेशन बियॉन्ड द सेट टेक्स्ट, तो जो भी हो
80 से 100 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आपका जो प्रोस है वहाँ से दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ से एक का ही आंसर करना है और नंबर कितना रहेगा? 5 मार्क्स। मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क का, लेकिन 7 मार्क विस्तार से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन एक, और 5 मार्क्स फ्लेमिंगो से, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, यहाँ से आएगा टोटल 15 मार्क्स, 20 तास, जो छोटा बुक है, छोटा नाम है उसका लेकिन बहुत बड़ा है। द टाइगर किंग आएगा, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, माग भी और मागोर दो माए। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाए, नहीं तो क्या लिखना है आपको, जैसे कि द एनिमी बी एस ट्यूशन क्लास, ठीक आ जाएगा। इसका 7 से 8 पार्ट बना चुका हूँ, 15-15 मिनट का, द एनिमी का। ठीक है, चलो इसको बताते हैं कि कैसे कैसे आएगा। 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर करना है आपको, 125 to 150 वर्ड्स के बीच में, लॉन्ग क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन करना है, 7 मार्क्स रहेगा, मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर, और वही विस्तार से शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। 2 मार्क का क्वेश्चन टोटल 4 का करना है आपको, 2 मार्क का क्वेश्चन टोटल कितना आएगा, 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 को ही करना है, तो टोटल यहाँ से हो गया आपका 8 मार्क्स, कितना हो गया टोटल, 15 हो गया ना। और आपको किताब, सरकारी किताब है फ्लेमिंगो विस्तार, वही से फॉलो करेंगे आप, पढ़ेंगे, नहीं तो बी एस ट्यूशन क्लासेस है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, टेलीग्राम में जाए, PDF लीजिए, ठीक है, आनंद लीजिए, आराम से पढ़िए बिना टेंशन का, कोई भी नया चीज़ होगा मैं अपडेट देता रहूँगा ताकि आपका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच।